अब हम एक न्यूमेरिकल एनालिसिस करके देखते हैं, किस चीज का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, जिस टॉपिक को हमने कुछ समय पहले जिक्र किया था। तो थोड़ा सा देखिए, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है? और एज अ रिजल्ट हम क्या लगा सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? ये तो क्या थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो मेरे सामने एक सिचुएशन है, Q1 Q2 दोनों फ्री मूव करने के लिए, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपेल होते हुए मान लीजिए कि एक समय पे दोनों के बीच का सेपरेशन RF हो चुका है और दोनों के पास वेलोसिटी V2 और V1 रेस्पेक्टिवली है। मेरा मन है कि ये V2 और V1 का वैल्यू है क्या, और ये चीज आपको मैं बता दूं कि मैं दोनों का मासेस जानता हूं। Q2 का मास M2 है और Q1 का मास M1 है। लेट अस से कि हम दोनों का मासेस जानते हैं। मेरा इच्छा है कि V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। और इनिशियली क्या किए थे? दे वेर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली क्या हुआ था? दे वेर अब आप ही बताइए कि इस सिस्टम को अगर आप छोड़ दिए तो क्या बाहर से कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? नहीं, सिर्फ एक दूसरे पे दोनों कूलम फोर्स लगा रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, किसका? ऑफ द सिस्टम। किसका? ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, तो क्या इनिशियल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ द सिस्टम बराबर यू आई माइनस यू फाइनल? एक बार बताइए, इनिशियल दोनों का, तो दोनों का स्पीड इनिशियल क्या था? जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। फाइनल क्या क्या है सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। घटे इनिशियल, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? के Q1 Q2 बाई RI। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के Q1 Q2 बाई RF। ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या करूंगा, इन सब का वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं। और इस चीज को मैं यहां पे डील कर रहा हूं। ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है? जीरो प्लस जीरो दोनों पार्टिकल्स का। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? के Q1 Q2 बाई R1 RI माइनस के Q1 Q2 बाई RF। अब ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में मेरे पास दो दो अननोन हैं। दैट मीन्स इक्वेशन ए में मेरे पास दो दो अननोन है, V1 V2। तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा इक्वेशन कहां से लाऊं मैं? आप ही सोचिए, दूसरा कहां से आएगा? तो ध्यान दीजिए, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा था? बाहर से
ये इस पे लगा रहा था कूलम फोर्स Q2 पे और Q2 Q1 पे लगा रहा था, तो ये तो आपस में इनका इंटरनल फोर्स है, यानी इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम एक एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस इंप्लाइज दैट इनिशियल मोमेंटम इज जीरो एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम along with sign m2v2 with plus sign y because velocity v2 is in the positive x direction and minus m1v1. This implies that m1v1 बराबर m2v2. This is the second equation. In short, we have got two equations and two variables. Now we can easily solve these two variables. Put the value of V1 in terms of V2 here and simply you will have the expression only in terms of V2 and then solve for it. Okay. So I just wanted to make you familiar with the numerical approach to such problems. Okay.